हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने चैप्टर 14 का देखा था, जो मैंने कंप्लीट आपको मेंटल मैथ्स और चैलेंजेस की जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट मैंने करवा। अब बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग, राइट। तो डाटा हैंडलिंग बहुत ईजी चैप्टर्स होता है, बट थोड़ा सा जो ग्राफ को है ना, पिक्टोग्राफ्स आपको दिए जाएंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको समझना है। और ग्राफ समझ गए ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में सीखना क्या क्या है हम लोगों को। तो देखो, लर्निंग आउटकम्स में क्या दे रखा है, आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर यू विल एबल टू। पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे, सो हेयर इज दैट। फर्स्ट, कलेक्ट डाटा बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट इट्स अबव ग्राफ, है ना। तो कह रहे कलेक्ट डेटा मतलब बहुत सारे डेटा को कलेक्शन किया जाएगा, उनको कई सारे एक्टिविटीज के द्वारा आपको परफॉर्म किया जाएगा, एंड इनको बार जो बार ग्राफ होगा ना बच्चों, उससे आपको रिप्रेजेंट करके समझाया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, इंटरप्ट द इंफॉर्मेशन गिवन इन बार ग्राफ। जो बार ग्राफ में वो सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, कैसे आप देखते ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ये होता है ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इजी होता है बच्चों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए रहते हैं, बस आपको उस ग्राफ से या बार ग्राफ बोल दो या पिक्टोग्राफ बोल दो, उससे एनालाइज करके आपको सीखना पड़ता है, राइट। बस और कुछ नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं, आज जो है वार्म अप करने वाले हैं पहले। तो देखो वार्म अप में क्या है बच्चों, इन क्लास थर्ड यानी क्लास थर्ड में आप पढ़ चुके होंगे, यू हैड लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ्स, ठीक है, इन विच द गिवन इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिक्चर एंड सिंबल्स। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स और सिंबल्स दे रखे हैं, इस पिक्चर और सिंबल्स को आपको समझना है ध्यान से, राइट। द फ्लोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ कार्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिक्टोग्राफ्स यानी ये नंबर ऑफ कार को शो कर रहा है। सो सोल्ड बाय द कंपनी, किसी कंपनी के द्वारा क्या गया, बेचा गया है, इन द फर्स्ट 7 मंथ, 7 मंथ है, जैसे जुलाई में इतने बेचे गए बच्चों, जून में इतने बेचे गए, मई में इतने बेचे गए, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी और जनवरी, यानी जनवरी से लेकर के जुलाई, यानी 7 मंथ तक इन्होंने बेचा। अब आप यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्केल है, एक कार रिप्रेजेंट करता है 10 कार के बराबर, यानी जो एक कार है ना वो 10 कार के बराबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 10 जा क्या होगा, 80 कार हो जाएगा, यानी जुलाई में वो कंपनी 80 कार बेच देते हैं, ठीक है। अच्छा जून में देखिए, 1 2 3, तो 3 10 जा 30, तो जून में कितने कार बेचते हैं, 30 कार वो बेच देते हैं। मई में देखिए, 1 2 3 4 5 5 है बच्चों, तो मई में क्या होगा, 50 कार वो बेच देंगे, ठीक है ना। अब अप्रैल में देखो, 1 2 3 4, 4 10 जा 40, तो इसमें क्या है बच्चों, 40 कार वो बेचेंगे। 1 2 3, मार्च में कितने, 3 3 10 जा 30, तो 30 कार वो बेच देंगे। फरवरी में देखो, 1 2 3, तो फरवरी में कितने होंगे, 30 कार्स होंगे, ठीक है। जनवरी में 1 और 2, यानी 10, तो क्या हो जाएगा, 10 20 कार हो जाएगा, है ना, 10 2 20। तो आपने देखा जुलाई में 80 कार वो बेच देते हैं, जून में 30 कार बेचते हैं, मई में 50 कार बेच देते हैं, अप्रैल में 40 कार बेचते हैं, मार्च में 30 कार बेच देते हैं, फरवरी में 30 कार्स एंड जनवरी में 20 कार बेच देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखो, इसी के बेस पे आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूजिंग द पिक्टोग्राफ्स, ठीक है, कह रहा है यूजिंग द पिक्टोग्राफ्स, यानी ये जो आपको पिक्टोग्राफ्स दिया हुआ है इसका यूज कीजिए एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन के आंसर देने में। तो पहला कह रहा है, व्हाट डज कार रिप्रेजेंट, तो एक कार क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यहां पे आंसर दिया हुआ है, 10 कार्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे 10 कार्स लिख देंगे आप। अच्छा अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहे, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन मार्च,
मार्च में कितने कार बेचे गए, तो मार्च देखोगा ये रहा 1, 2, 3 यानी 30 कार्स बेचे गए, तो आप यहां पे 30 कार्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहा है देखिए, इन विच मंथ 80 कार्स वर सोल्ड, कौन सा मंथ है जिसमें 80 कार बेचे गए। तो देखो बच्चों जुलाई का मंथ है ना, जुलाई के मंथ में कितने कार बेचे गए 80, तो यहां पे आप जुलाई लिख दीजिए, जे यू एल वाई, जुलाई हो गया। ठीक है, अब कह रहा है देखो इन विच मंथ, है ना क्या कह रहे हैं, इन विच मंथ सेम नंबर ऑफ कार वर सोल्ड। तो सेम नंबर ऑफ कार की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो किस किस में है, फरवरी में 30 कार्स है, मार्च में 30 कार्स है और जून में 30 कार्स है, यानी तीन मंथ है जिसमें सेम कार बेचे गए। तो आप चाहो तो यहां पे लिख दो, पहले क्या लिखोगे इसका, जून होगा बच्चों, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा और फिर फेब, एफ ई बी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख देना फेब्रुवरी, राइट। तो ये तीन मंथ है, जून मई और फेब्रुवरी, यानी इसमें तीनों में सेम कार बेचे गए, 30-30 कार बेचे गए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी, राइट, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर इन दीज 7 मंथ। अच्छा ये जो 7 मंथ में टोटल कितने कार बेचे गए ये हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो सभी कार को ऐड कर दो, तो ये देखो 30 और 20 50 हो गया, है ना, 50 और 40 90 हो गया बच्चों, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 30 120, 120 और 30 क्या हो गया बच्चों, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 150, और ये क्या हो जाएगा, 200 280 कार हो रहा है बच्चों, टोटल कितना हो रहा है 280, यानी 7 मंथ में इस कंपनी ने कितना कार बेच दिया बच्चों, 280 कार बेच दिए। ठीक है, क्या होगा, 280 कार्स बेच दिया उन्होंने। ठीक, तो आई होप आपको ये जो वार्म अप के क्वेश्चंस थे ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, राइट। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।